नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं हूं एकेश राजवीर, आपका अकेडमी और YouTube एजुकेटर। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स पर। दोस्तों मैंने इनको नाम दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इन वन लाइनर्स के थ्रू हम इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ही इजीली, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है उनके साथ लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला वन लाइनर है आपके लिए जॉर्ज ऑरवेल। दोस्तों नाम आपने सुना होगा जॉर्ज ऑरवेल का, मुझे उम्मीद है कि वो एक बहुत ही बेहतरीन राइटर रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल। दोस्तों जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है 1984, दिस इज द वर्क बाय जॉर्ज ऑरवेल। और दोस्तों एल्डस हक्सले का भी नाम दोस्तों आपने जरूर सुना होगा। और एल्डस हक्सले ने दोस्तों जो एक वर्क लिखा है जिसका नाम है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। दोस्तों ब्रेव न्यू वर्ल्ड की अगर मैं दोस्तों आपसे बात करूं, ब्रेव न्यू वर्ल्ड जिसको लिखा है एल्डस हक्सले ने, दोस्तों ये दोनों किस टाइप के नॉवेल हैं? सो दीज टू नॉवेल्स आर नोन एज प्रोफेटिक नॉवेल, पहला पॉइंट। देन दोस्तों दूसरा हमारे पास वन लाइनर है, दैट इज देयर आर फाइव प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सबलिमिटी अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस। दोस्तों लॉन्जाइनस के अकॉर्डिंग जो सोर्स ऑफ सबलिमिटी है, तो सोर्स ऑफ सबलिमिटी कितने हैं? सो दोस्तों कितने हैं? ये हैं फाइव। और कौन कौन से हैं दोस्तों मैं लिख देता हूं। एक तो दोस्तों है ग्रैंड थॉट, GRANDTHOUGHT, ग्रैंड थॉट। एंड देन इसके बाद दोस्तों है पावरफुल इमोशंस, EMOTIONS, पावरफुल इमोशंस, फर्स्ट वन, सेकेंड वन। देन थर्ड वन की दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, सो दिस इज नोबेलिटी ऑफ डिक्शन, दिस इज द थर्ड वन पॉइंट, ओके। देन फोर्थ वन सोर्स ऑफ सबलिमिटी अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस इज, सो दिस वन इज पर्टिकुलर फिगर ऑफ थॉट, पर्टिकुलर PARTICULAR, particular figure, then of thought, particular figure of thought. So this one is fourth, and then you have fifth one. So this is dignified word arrangement, dignified, D-I-G-N-I, dignified word arrangement, ARRANGEMENT. So these are five source of sublimity according to Longinus. Then third one, dosto dekhe, in Dryden's AC of Dramatic Poetry is one of the important critical work by John Dryden. And in this particular work, you can see there are four speakers. How many speakers are there in this particular work? So there are four speakers. So first one is Eugenius, second one is Critias, and then third one is Lycidius, and then fourth one is Neander as John Dryden. So Eugenius, Critias, Lycidius, and Neander. So these are the four speakers in this particular work. And Neander, dosto, maine aapko bataya, Neander is as Dryden himself in AC of Dramatic Poetry. Dr. Johnson called Dryden father of English criticism. So, dosto, father of English criticism, John Dryden. Aur John Dryden ko father of English criticism kaha kisne? So, yes, the answer is Johnson, Dr. Johnson, Dr. Samuel Johnson. शैली ने दोस्तों पोएट्स की डेफिनेशन दी, बहुत अच्छी पोएट्स के बारे में दोस्तों इन्होंने बात किया। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोएट बाय पीवी शैली, पर्सी बिशी शैली। तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा, पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। और दोस्तों डॉक्टर जॉनसन की अगर बात किया जाए प्रिफेस टू शेक्सपियर में, सो डॉक्टर जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर को बहुत ही बेहतर तरीके से सपोर्ट किया है।
और विलियम शेक्सपियर को इवन डिफेंड भी करने की कोशिश की, किसने? डॉक्टर जॉनसन ने, प्रिफेस टू शेक्सपियर में। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जो विलियम शेक्सपियर है, जिन्होंने यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस, सो दोस्तों यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस को नहीं फॉलो किया विलियम शेक्सपियर ने, लेकिन जॉनसन ने कहा कि वो राइट थे अपने प्लेस में। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड, रुडयार्ड किपलिंग रोट द पोयम इफ। दोस्तों रुडयार्ड किपलिंग का नाम आपने जरूर सुना होगा, और रुडयार्ड किपलिंग की दोस्तों कौन सी बेहतर सबसे फेमस बुक है, जो चिल्ड्रन बुक है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप मुझे बताएंगे। रुडयार्ड किपलिंग ने दोस्तों एक पोयम लिखी है जिसका नाम है इफ, एंड इवन रुडयार्ड किपलिंग दोस्तों बहुत सारी पोएम्स के लिए फेमस है, और एग्जाम में यूजीसी के आपके ऑलवेज ज्यादातर टाइटल्स पूछे जाते हैं रुडयार्ड किपलिंग के वर्क से। देन दोस्तों देखिए, द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम जेम्स। विलियम जेम्स वाज द ब्रदर ऑफ हेनरी जेम्स, और इन्होंने दोस्तों एक वर्क लिखा था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में दोस्तों इन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस्ड किया था, जिसका नाम है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। लेटर ऑन इट वॉज अडॉप्टेड बाई यू हैव वर्जीनिया वुल्फ एंड देन जेम्स जॉयस, टी एस एलियट एंड अदर्स ने इस टेक्निक को, इस राइटिंग ऑफ टेक्निक को एक्सेप्ट किया। दोस्तों टर्म इनस्केप एंड इंस्पेस, दीज बोथ आर रिलेटेड टू जॉन हॉपकिंस। दोस्तों हॉपकिंस के साथ ये दोनों टर्म किसने क्वाइन किया है? इनस्केप एंड इंस्ट्रेस जॉन हॉपकिंस ने क्वाइन किया है। और दोस्तों जॉन इनकी जो हॉपकिंस की एक और दोस्तों बहुत ही बढ़िया बात है, दिस इज स्प्रिंग रिदम। दोस्तों जब जो आपकी रिदम है वो कुछ इस तरह से चलती है, दैट इज नोन एज स्प्रिंग रिदम, अप डाउन अप डाउन, दैट इज नोन एज स्प्रिंग रिदम। सो दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई जॉन हॉपकिंस। एंड देन दोस्तों अगर बात करें टी एस एलियट ने दोस्तों हैमलेट को कहा आर्टिस्टिक फेलर, हैमलेट आर्टिस्टिक फेलर है, ओके यस, बिकॉज दोस्तों इनका मानना था टी एस एलियट का कि विलियम शेक्सपियर जो थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया, दैट्स व्हाई हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलर। बट आर्टिस्टिक सक्सेस कौन है? तो दोस्तों आर्टिस्टिक सक्सेस के लिए टी एस एलियट ने कहा कि मैकबेथ इज आर्टिस्टिक सक्सेस। मैकबेथ क्या है? आर्टिस्टिक सक्सेस है। इसके बाद दोस्तों एक स्टीफन स्पिंडर ने लिखा है ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है द वर्ल्ड विद इन वर्ड, द वर्ल्ड विद इन वर्ड, दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्टीफन स्पेंडर। दोस्तों स्टीफन स्पेंडर को आप बहुत अच्छे से एज अ मॉडर्न पोएट जानते होंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास कुछ और बेहतरीन वन लाइनर्स है आपके लिए। सो जीवी शॉ की दोस्तों अगर बात किया जाए, सो ही सेड फॉर आर्ट्स सेक आई एम नॉट, फॉर आर्ट्स सेक अलोन आई वुड नॉट टॉयल टू फेस द टॉयल ऑफ राइटिंग अ सिंगल सेंटेंस, फॉर आर्ट्स सेक अलोन आई वुड नॉट फेस द टॉयल ऑफ राइटिंग अ सिंगल सेंटेंस। सो दिस इज द वन ऑफ द वंडरफुल स्टेटमेंट बाय जी बी शॉ, बिकॉज दोस्तों आपने देखा आर्ट फॉर आर्ट से, तो दोस्तों किसने दिया था आर्ट फॉर आर्ट से, ये किसका टर्म है आर्ट फॉर आर्ट से, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एल्डोस हक्सले दोस्तों की अगर बात करें, एल्डोस हक्सले की राइटिंग की, दोस्तों एल्डोस हक्सले ने काफी सारे वर्क लिखे, लेकिन ज्यादातर दोस्तों इनके वर्क कहीं ना कहीं दूसरे वर्क से इन्होंने अपने वर्क के टाइटल डिराइव किए हैं, दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट अल्डोस हक्सले। सो दोस्तों इन्होंने वर्क लिखा है द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, एंड दिस इज द टाइटल दैट हैज बीन डिराइव फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट से डिराइव किया है इस टर्म, सॉरी इस टाइटल को, ब्रेव न्यू वर्ल्ड अल्डोस हक्सले ने। विलियम मॉरिस की दोस्तों अगर बात करें, सो विलियम मॉरिस ऑथर है किसकी, द अर्थली पैराडाइज इज रिटन बाई विलियम मॉरिस, अर्थली पैराडाइज बाई विलियम मॉरिस।
T.S. Eliot. Dosto, T.S. Eliot was believed to be a classicist in literature. He was classicist in literature, royalist in politics, and Anglo-Catholic in religion. One of the best thing about T.S. Eliot that you must know, he was classicist in literature. He is going to follow tradition. That's why he is classicist and royalist in politics, and then Anglo-Catholic in religion. Then another point that is really important, Virginia Woolf was the founder of the Bloomsbury Group, a literary club of England. Dosto, please Bloomsbury Group ke baare mein zarur pad lijiyega, kyunki dosto yahan par J.M. Keynes, C.M. Foster jaise behtareen figures related the Bloomsbury Group se. Aur dosto, Bloomsbury ek district hai jahan par is group ko formulate kiya gaya tha. So Virginia Woolf kya thi? Founder thi is literary club ki. That was known as Bloomsbury ग्रुप. देन दोस्तों, हमारे पास कुछ और वन लाइनर्स हैं. ये दोस्तों मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जहां से आप एंजॉय कर रहे हैं इस लेक्चर को. अगर आपने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए. डी एच लॉरेंस कॉल्ड वन ऑफ हिज नॉवेल कंगारू थॉट एडवेंचर. कंगारू इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क, वन ऑफ द बेस्ट वर्क बाय डी एच लॉरेंस. इवन ही हैज रिटन द रैनबो, वेमेन इन लव, लेडीज एफिज लवर. और दोस्तों, इनके वर्क्स में ऑलवेज सेक्स एंड सेक्सुअलिटी बहुत ही ज्यादा ओपनली एक्सप्लोर की गई है. इन सन्स एंड लवर्स यू कैन सी ओडिपस रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड अ सन. सो दोस्तों, ये जो थॉट एडवेंचर कहा है डीएस लॉरेंस ने अपने वर्क कंगारू के लिए. देन दोस्तों, फ्रेज रिलीजन ऑफ ब्लड इज एसोसिएटेड विद हुम. सो यस, द फ्रेज रिलीजन ऑफ ब्लड इज एसोसिएटेड विद जी एच लॉरेंस, यानी डेविड हर्बर्ट लॉरेंस. रिलीजन ऑफ ब्लड, यू मस्ट रिमेंबर दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है. देन दोस्तों, अ कैरेक्टर इन वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवेल नेम्ड ओरलैंडो चेंजेस हिज सेक्स. सो दोस्तों, ओरलैंडो की अगर मैं बात करूं, ओरलैंडो इज वन ऑफ द वंडरफुल वर्ल्ड. और दोस्तों, यहां पर अगर आप देखें, सो ओरलैंडो की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है. सो जाने के बाद दोस्तों, एक ओरलैंडो नाम का कैरेक्टर होता है. सो जाने के बाद जब वो जगता है, सो एग्जैक्टली वो कन्वर्ट हो जाता है एक फीमेल में. और यहां पर दोस्तों, चार्ल्स सेकेंड यानी कि एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी फॉलो किया गया इस नॉवेल में वर्जीनिया वुल्फ के. सो चार्ल्स सेकेंड अपीयर्ड होते हैं इस वर्क में, वन ऑफ द वंडरफुल वर्क बाई वर्जीनिया वुल्फ. और दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि चेंजेस ऑफ सेक्स टेक्स प्लेस इन दिस पर्टिकुलर वर्क ऑरलैंडो. Then, a woman's search for a fitting mate is the central theme of Bernard Shaw, Man and Superman. दोस्तों, Man and Superman की अगर बात किया जाए, तो इसकी central theme क्या है? A woman's search for a fitting mate. एक fitting mate की search एक theme है Bernard Shaw के Man and Superman की. दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि G.B. Shaw के work like Candida, you have St. John, then you have theme of love and war, that is arms and the man. दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. इनकी थीम स्ट्रक्चर को ऑलवेज आपको फोकस करना चाहिए फॉर यूजीसी नेट और एनी अदर एग्जाम. एंड देन दोस्तों, द फ्रेज डॉन जुआन इज हिल ऑकर्स इन सॉज मैन एंड सुपरमैन. इन दिस पर्टिकुलर वर्क यू कैन सी अ फ्रेज दैट इज डॉन जुआन इन हेल. दिस अपीयर्स इन मैन एंड सुपरमैन बाय जी.बी. शॉ. सो दोस्तों, आगे भी मेरे पास और भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए. प्रोस्टिट्यूशन इज द सेंट्रल थीम ऑफ सॉज मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन. यस, यू हैव ऑलरेडी हर्ड द नेम. दिस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम प्ले, सो दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम प्ले, मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन बाय जी बी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. एंड द सेंट्रल थीम इज प्रोस्टिट्यूशन. यस, दिस इज द सेंट्रल थीम इन दिस पर्टिकुलर वर्क, Mrs. Warren's profession. Then you have labor and conflict and capital conflict. Labor and capital conflict is the central theme in G.B. Galsworthy. दोस्तों, Galsworthy का नाम आपने सुना होगा. So दोस्तों, Galsworthy के novel जिसका नाम है Strife की central theme क्या है? So this is labor and capital conflict is the central theme of in this particular work. Dosto, jyada detail ke liye aap Galsworthy par jo maine do videos upload ki hai apne YouTube channel par, aap wo watch kar sakte hain.
The law in what it is majestic edifies, sheltering all of us, is a stone of which rest on another one another. So this is a statement from Strife by Galsworthy. Galsworthy ka jo dosto Strife hai, wahan par ye statement appear hota hai. Lies. What it is majestic edifies, sheltering all of us, each stone of which rests on one another. Then dosto, Bernard Shaw was awarded the Nobel Prize in 1925. 25 mein dosto unhe mila tha Nobel Prize. And in 1923, kisko mila tha dosto? So W.B. Yeats ko. Joseph Conrad's novel are generally sit in background of the sea, because Joseph Conrad is going to explore the sea life, and he is going to share the sea experience, his own experiences of life. So his works are basically based on sea background. So all his novels are based on have a background of the sea. Yes, so this is one of the important exam point for you. और दोस्तों आगे की क्लासेस में भी मैं आपके साथ एग्जाम पॉइंट्स पर बात करता रहूंगा दोस्तों. तो उम्मीद करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर चुके होंगे. और दोस्तों आप अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं, क्योंकि मैं एक अनअकैडमी और यूट्यूब एजुकेटर हूँ, ऑलवेज दोस्तों यूट्यूब पर आता हूँ, अनअकैडमी पर भी आता हूँ. सो दोस्तों ऑलवेज कोशिश करता हूँ कि आपके साथ कुछ बेटर परफॉर्मेंस कर सकूँ. सो दोस्तों प्लीज आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग NTA UGC नेट कोर्सेज. सो दोस्तों हमारे पास है आपके लिए प्लान. AKS राजवीर रेफरल कोड को यूज करके 10% का डिस्काउंट मिलता है. और स्पेशल क्लासेस भी दोस्तों मेरी आती है कल, यानी कि दोस्तों संडे 15th of March 2020. दोस्तों आपको अनअकैडमी पर मेरी एक क्लास मिलेगी जो मुल्क राज आनंद पर होगी दोस्तों. पूरी 1 आवर की क्लास होगी, फ्री क्लास होगी. आप जरूर आए दोस्तों और जरूर देखें. और अगर दोस्तों आप चाहें तो मेरे कंप्लीट कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी प्लस. 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ प्लान के साथ यूज कीजिएगा रेफरल कोड AKS राजवीर. अगर आपके पास क्वाइन है तो क्वाइन भी यूज कीजिएगा, 20% डिस्काउंट अवेल कीजिए. और दोस्तों लर्न कीजिए इंडिया के बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ. तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए. और ये है दोस्तों मेरी कुछ ऑन गोइंग प्लस कोर्सेज. दोस्तों क्रैश कोर्स जल्दी ही आ रहा है आपके लिए. प्लीज अगर आप क्रैश कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो दोस्तों अभी आप ले लीजिए 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन. और अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो क्रैश कोर्स कंप्लीट कोर्स आपका कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 दोनों कवर हो जाएगा दोस्तों. क्योंकि ये मेरे कोर्सेज चल रहे हैं 10 यूनिट्स के लिए, और ये कोर्सेज जल्दी ही आने वाले हैं. अमेरिकन लिटरेचर के लिए भी दोस्तों मेरे कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च्ड हैं. तो दोस्तों आइए अनअकैडमी प्लस में लर्न कीजिए कंप्लीट कोर्स के साथ. तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, और किसी भी इंक्वायरी के लिए दोस्तों आप हमसे जरूर मुझसे कॉन्टैक्ट करें. मेरे नंबर दोस्तों फिर से एक बार मैं लिखे दे रहा हूँ 9125090515. तो दोस्तों UGC नेट इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.